दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी आई थी जेली बर्गर पर स्वागत है। अभी हम चारों निकल रहे पूरी के लिए और मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। अनिल, पापा, मम्मी सब रेडी हो गए। सब हाई भी बोल रहे आप लोगों को, देख लो। हेलो, तू इतने दूर से उसके बाद मैं चलाऊंगी। अभी पापा मेरे बगल में बैठ गए। पापा फर्स्ट टाइम बैक सीट में बैठ रहे होंगे। पापा कभी लाइफ में ड्राइवर रहता था तब मैं बैठता। अरे ये वाला गाड़ी में तो कभी नहीं। नहीं, इसके बाद से मैं जब ड्राइवर तो रखा नहीं, खुद अपने चलाता हूँ। आज फर्स्ट टाइम पापा पीछे बैठे हुए, मेरा खुद अजीब लग रहा है। ये जगह मम्मी का हुआ करता है, लेकिन पापा बैठे अजीब से लग रहा है मेरे को। मम्मी और दामाद सामने बैठ के गाड़ी चला रहे। मम्मी बोल रही तू जब चलाएगी मैं पीछे बैठ जाऊंगी, तब मैं सामने नहीं बैठूंगी। मैं ड्राइव करने वाली हूँ पापा के गाड़ी को। मम्मी बोल रही मैं तेरे साइड में नहीं बैठूंगी, मैं पीछे जाके बैठ रही हूँ। क्यों? मुझे पापा ही डर लग रहा है। You're worse, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's so हम लोग अभी बाटा मंगोला में आ गए।
और ये माना जाता है कि पूरी जाने के टाइम बाटा मंगला दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। माला दे ठीक है राइट चले जाएंगे तो जगन्नाथ टेम्पल। अभी सीधा जाएंगे हम लोग, पहले सी बीच हमारा होटल है वहाँ पे हम लोग चेकिंग वगैरह करने। जगन्नाथ देव को यहाँ पे मासी का घर है, यहाँ पे उनका है। अभी मम्मी से पूछते, मम्मी मेरा ड्राइविंग से डरी है या नहीं? नहीं डरी, नहीं। और मैंने कोई धमकी नहीं दिया था, वो सच में मम्मी ने नहीं डरी। ये व्यू मतलब मैं जितना बार भी आ जाऊं ये व्यू मेरे को इतना अच्छा लगता है ना। कत लोग इससे खाली जाबेन बोलो ना पूरी को बैक टेंच कर। हां भाई अभी हम लोग इस रूम में चेकिंग किया और मैं अपना रूम टूर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही बेसिक सा रूम है लेकिन बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल वाला रूम है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल, सिटिंग एरिया, यहाँ पे थोड़ा कैबिनेट वगैरह है, कुछ है। हाँ फ्रिज भी है, फ्रिज के अंदर कुछ नहीं होगा आई थिंक सो। फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है रिमोट वगैरह, डिश टीवी वगैरह जो भी होता है वो सब है। और ये व्यू भी बहुत ही अच्छा है, एकदम बेड से सी दिखेगा। सोते सोते समुंदर देखो, दैट्स मी, हेलो। बाथरूम, वो है बालकनी। बालकनी ऐसे खोलते ही ऐसे समुंदर है। इधर ये हमारा रूम है, अभी पापा मम्मी का रूम में चलते हैं। मम्मी का रूम है, हम लोग का 307 है, पापा मम्मी का 306। मम्मी पापा का भी रूम सेम ही है जैसे हमारा है, सेम रूम है उनका भी। मम्मी बैठी हुई है, मम्मी पापा का रूम से ज़्यादा व्यू अच्छा है ये मैं हमेशा बोलती हूँ। इधर आ जा। नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं हमारा बालकनी से भी दिखता है और विंडो से। मम्मी के लोगों का विंडो से थोड़ा ऐसे करके देखना पड़ता है टेढ़ा होके। फिर से मैं इधर आ गई, हेलो। फिर अच्छा है, नहीं इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी खाली है पूरा। वो गाड़ी चला लगा ना,
और मतलब हमारा रूम का बालकनी और मम्मी पापा का रूम का बालकनी दोनों एकदम अटैच है, तो मैं ऐसे कूद कूद के भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, और बिकॉज इतना बाहर धूप है कहीं घूमने जाने का कुछ है नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा लंच करेंगे, फिर घर रूम में वापस आ जाएंगे, फिर देखेंगे शाम को क्या करेंगे। और मैं और अनिल एकदम रेडी हो गए। हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पूरी पे आए, तो उसके बाद ना हमने फिर सोचा कि नहीं पहले लंच कर लेते उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो अभी लंच करने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया, मन करता ना घूमने आने के बाद थोड़ा बैक टू बैक न्यू ड्रेसेस। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग सब अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हमने ऑटो ही प्रेफर किया, क्योंकि गाड़ी लेके जाना फिर से पार्क करना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग ऑटो में ही जा रहे हैं। अभी दर्शन करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.